Hey guys, welcome back again to a new video. अगर आप एक बजट मिड रेंज फोन विद गुड स्पेक्स देख रहे हो तो अपने पास एक अच्छा सा ऑप्शन है आपके लिए जो कि 15,000 के आसपास आपको ये फोन मिल जाता है। तो फोन का नाम है Samsung Galaxy A12, Samsung की तरफ से है। दैट मीन्स कहीं आपको लगे कि शायद यहाँ पे स्पेक्स में कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो आप, लेकिन बिलीव मी क्वालिटी में यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा। एक अच्छी क्वालिटी का मिड रेंज अच्छा फोन जो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ चले, ये रहा आपके आगे। तो दोस्तों ये अपने पास डिवाइस आ गया है Samsung A12, 6GB वाला वेरिएंट है, इसमें 4GB का भी वेरिएंट आता है। लेकिन अगर आप 15,000 के आसपास कोई फोन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये वाला फोन 6GB वाला आपके 15 के आसपास आपको अच्छी डील में मिल जाएगा। अब 15,000 में आपको बाकी फोन में काफी ज्यादा स्पेक्स मिलते हैं, लेकिन बात करूं इसमें तो इसमें स्पेक्स तो मिलते ही है, लेकिन उसके साथ एक Samsung का ट्रस्ट, एक Samsung की जो क्वालिटी होती है वो भी देखने को मिलती है। बॉक्स पे देख लें तो ज्यादा कुछ नहीं है, फोन दिखने में ऐसा ही है, ब्लू वेरिएंट है, यहाँ पे Samsung Galaxy A12 लिखा हुआ है, मेक इन इंडिया है, मतलब पूरी जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है इस डिवाइस की वो आपकी इंडिया में हुई है। तो जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं और इसके लिए मैं कट लगाता हूं। एंड आर यू रेडी? या वैसे इस डिवाइस के अनबॉक्सिंग मैंने पहले कर लिया, जस्ट एक डेमो दिखाया था मैंने। डिवाइस अभी बिल्कुल नया है, इसको मैंने चालू नहीं किया है बिकॉज मैंने सोचा आपके साथ मिलके इसको चालू करते हैं। तो इसके अंदर ये डिवाइस मिल जाता है, इसको रखते हैं साइड में और देख लेते हैं बॉक्स में क्या है। तो बॉक्स में आपको एक Samsung का एडाप्टर मिल जाता है जो कि 9W का है। ये 15W सपोर्ट करता है फास्ट चार्जिंग, लेकिन यहाँ पे आपको 9W ही मिलता है तो आपको बाहर से बाय करना होगा। यहाँ पे आप इसकी पावर रेटिंग्स वगैरह देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको Samsung की तरफ से केबल मिल जाती है, टाइप सी सपोर्ट करता है ये, तो ये टाइप सी आपको केबल मिल जाती है, प्यारी सी छोटी सी बिल्कुल। तो केबल और एडाप्टर को रखते हैं साइड में। इसके अंदर आपको कुछ मैनुअल्स मिल जाते हैं और इसमें वारंटी कार्ड वगैरह कैसे क्लेम करना है वो सारी चीजें हैं। क्विक स्टार्ट गाइड है तो स्टार्ट वगैरह कैसे करना है, तो आई थिंक इसकी इतनी जरूरत है नहीं, इसे रखते हैं हम साइड में और डायरेक्ट फोकस करते हैं मेन प्रोडक्ट पे, Samsung A12। अब यहाँ पे दोस्तों दो वेरिएंट है मेरे सामने, एक ब्लैक था एक ब्लू था, लेकिन मेरे को ब्लू काफी ज्यादा अपीलिंग लगा। इसकी प्लास्टिक को पहले हटा लेते हैं, तो कहाँ से हटेगा ये, यहाँ से हटेगा। ओके ये हम खोलते हैं इसको, 1 2 3 डन। ये रहा फोन हमारे पास ब्लू कलर का Samsung A12, काफी स्टनिंग है, कलर काफी प्यारा है। इस पर पीछे इसके Samsung की ब्रांडिंग मिल जाती है यहाँ पर, और ये जो है बेसिकली ये आपकी प्लास्टिक बॉडी है, लेकिन आपको बिल्कुल स्टडी फील होता है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई चीप प्लास्टिक है, आपको अच्छा फील होता है इसको देख के। पीछे क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है, यहाँ पे 4 कैमरे है और ये बम्प है, लेकिन बम्प होते हुए भी ये प्रोटेक्शन मिली हुई है इसको एज की हर तरफ से। बाकी बटन की बात कर ले तो वॉल्यूम लॉकर बटन मिल जाता है यहाँ पे, उसके साथ ही आपको यहाँ पे पावर का बटन मिल जाता है जहां पे फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। बात कर ले ऊपर की साइड तो यहाँ पे एक आपको सिंगल माइक मिल जाता है, और बात कर ले नीचे तो यहाँ पे आपको टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है, स्पीकर के कटआउट्स मिल जाते हैं, एक माइक यहाँ पे भी मिल जाता है, और यहाँ पे आपको 3.5mm जैक जो कि काफी अच्छी चीज है बिकॉज महंगे से महंगे फोन में ये चीज आपको अब मिसिंग मिलती है, लेकिन यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे सिम ट्रे आ जाता है और इसमें एक्सपेंडेबल मेमोरी कार्ड भी आपको यहीं से इंसर्ट करना होता है। फोन दिखने में कुछ ऐसा प्यारा सा दिखता है, यहाँ पे काफी क्वालिटी जो है काफी स्टडी है, काफी प्यारी क्वालिटी है, और मतलब जो ग्रिप है फोन का वो भी आपको बिल्कुल चीप फील नहीं होता, अच्छा ग्रिप फील होता है आपको, तो ये काफी अच्छी बात है इस फोन के बारे में। तो फोन को यहाँ पे चालू कर लेते हैं, फर्स्ट टाइम बूट करना है तो ये वॉल्यूम बटन को पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं। तो सबसे पहली चीज अगर प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे ऑक्टा कोर 2.3GHz का प्रोसेसर मिल जाता है जो कि आपकी डे टू डे परफॉर्मेंस में मतलब बहुत ज्यादा लैग नहीं करेगा। आई वोंट से कि बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर है, बट इन Samsung प्रोसेसर की क्वालिटीज अच्छी होती है, तो यहाँ पे भी आप एक अच्छा आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो इसका स्क्रीन है साइज वो देख सकते हो आप, ये 6.4 इंच का आपको डिस्प्ले मिल जाता है। बुरी बात यह है कि ये फुल HD डिस्प्ले नहीं मिलता, ये HD डिस्प्ले मिलता है 720x1600 रेजोल्यूशन मिल जाता है, 16M कलर्स मिल जाते हैं, लेकिन चलेगा, मतलब बहुत ज्यादा आपको लो फील नहीं होता है। रियर कैमरे की बात करें दोस्तों यहाँ पे तो आपको 4 कैमरे का सेटअप मिलता है, जो प्राइमरी कैमरा है वो आपका 48MP का है, उसके बाद 5MP का, 2MP का और 2MP के 4 कैमरे मिल जाते हैं यहाँ पे सबका कॉम्बिनेशन, तो वीडियोज और फोटोज की क्वालिटी भी इसमें आपको अच्छी देखने को मिलेगी। बात कर ले फ्रंट कैमरे की तो 8MP का आपको फ्रंट
कैमरा मिल जाता है और उसके साथ ही इसमें जितने भी इमेज स्टेबलाइजेशन है, ऑप्टिकल जूम है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। बात कर लें इसके अंदर बैटरी की, तो 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है 15 वॉट के एडैप्टर के साथ, लेकिन वो आपको अलग से बाय करना पड़ता है यहाँ पे। इसके अलावा इसमें जितने भी स्पेक्स है वो मैंने आपको बता दिए, सारे बेसिक सेंसर मिल जाते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर हो गया आपका, जायरोस्कोप हो गया, NFC यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जो डिजिटल पेमेंट करना है वो NFC के थ्रू आप नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ आप UPI वगैरह यूज कर सकते हो डेफिनेटली। तो ये क्विक स्पेक्स हो गए इस फोन को, जल्दी से चालू कर लेते हैं और बूट कर लेते हैं और देखते हैं फिर कि इसका OS वगैरह कैसा देखने को मिलता है। ये यहाँ पे फाइनली सेटअप हो जाता है कंप्लीट। तो ये दोस्तों फाइनली हमने सैमसंग A12 फुल्ली यहाँ पे बूट करके चालू कर लिया, एक्टिवेट कर लिया है फोन को, कहीं भी कुछ लैग देखने को नहीं मिल रहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड सैमसंग गैलेक्सी A12। आई होप आपको फोन पसंद आया हो, तो बस गो एंड परचेज। अगर आपको फोन अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करो, इससे अच्छा ऑप्शन है कोई आपके पास 15000 के अंदर तो गाइड में नीचे कमेंट बॉक्स में वो भी टाइप करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया तो जल्दी करिए। आगे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।